सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर चल रहे विवाद के बीच सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ डायलॉग और मूवी के गाने बेशरम रंग के कुछ वर्ड और सेक्सी सीन पर कैंची लगा दी है। यानी अब सेक्सी सीन और फैंस को स्क्रीन पर दीपिका की सेक्सी अंदाज और कातिलाना अंदाज देखने को नहीं मिलेंगे। सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म में करीबन 10 से ज़्यादा कट लगाए हैं और सबसे ज़्यादा कट बेशरम रंग गाने पर लगाए हैं। इस गाने में दीपिका के साथ उनके आउटफिट्स को बेहद वर्ल्ड और हार्ट दिखाया है और इसके अलावा फिल्म के कुछ डायलॉग्स के शब्दों को भी बदला गया है। हम आपको बता देते हैं कि किस टॉपिक को बदला है उस गाने में। रिपोर्ट्स की माने तो बेशरम रंग गाने ने दीपिका पादुकोण के क्लोज शॉट्स पर कट लगाए हैं और जब फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे। दीपिका पादुकोण ने बेशरम रंग गाने में गोल्डन रंग की बिकनी भी पहनी है, इसे दिख रहे साइड पोज पर भी कैंची लगा दी है और कहा जा रहा है कि इस गाने में दीपिका पादुकोण ने सेंसुअल डांस किया था, जिसे भी एडिट किया है। इस डांस में पहनी गई गोल्ड ड्रेस पर कट लगा दिया गया है और बेशरम रंग गाने में दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकनी भी पहनी है, जिसे लेकर सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है। हालांकि यह जानकारी सामने नहीं आई कि भगवा बिकनी वाले सीन पर कट लगाया है या नहीं लगाया है। आपको बता दें कि फिल्म पठान के डायलॉग्स में कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया है जिस पर सेंसर बोर्ड आपत्ति जताई है। इन शब्दों की जगह दूसरे शब्दों को यूज़ किया जाएगा। कहा जा रहा है कि फिल्म में PMO शब्द हटा दिया गया है, वहीं 13 जगहों पर यूज़ किए गए PMO शब्द को भी एडिट किया गया है और उनकी जगह राष्ट्रपति या मंत्री जैसे शब्दों का यूज़ किए जाएंगे। जब से फिल्म का गाना बेशरम रंग रिलीज़ हुआ है, तभी से इसका विरोध हो रहा है। दरअसल इस गाने में दीपिका पादुकोण को हद से ज़्यादा गोल्ड दिखाया गया है, वहीं इन्होंने जो डांस किया है वो भी काफ़ी भड़कीला है। और यशराज फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। हालांकि कई हिंदू संगठन इस फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।